गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, टुडे इज़ योर लेसन, इज लेसन 10 आवर स्कूल। ये देखिए आपकी क्लास की बिल्डिंग, ठीक है। स्कूल, आवर स्कूल, हमारा स्कूल। वी गो टू स्कूल टू स्टडी, हम स्कूल अध्ययन के लिए जाते हैं। टीचर्स टीच अस बुक्स, अध्यापक जो है हमें पुस्तक किताबें पढ़ाते हैं। एंड गुड हैबिट्स, और अच्छी आदत सिखाते हैं। वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हम सभी सुबह स्कूल जाते हैं। स्टूडेंट्स असेंबल इन द असेंबली हॉल फॉर द मॉर्निंग असेंबली, सभी छात्र जो है एकत्रित होते हैं असेंबली हॉल में फॉर द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की सभा के लिए। वी से अवर प्रेयर, जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चे सारे प्रार्थना कर रहे हैं ना, यहाँ पे टीचर्स जो है क्लास ले रही है स्कूल के अंदर। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ाते हैं आपको। टीचर्स टीच द स्टूडेंट्स, अध्यापक जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। आवर स्कूल हैज मैनी क्लासेस, हमारे स्कूल में बहुत सी क्लासेस हैं। वेयर वी स्टडी, जहां हम पढ़ते हैं। आवर स्कूल हैज प्रिंसिपल ऑफिस, वेयर ही सिट्स, हमारे स्कूल में प्रधानाध्यापक का कार्यालय है। वेयर ही सिट्स, जहां पर वह बैठते हैं। प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल जो स्कूल के क्या हैं, प्रधान अध्यापक हैं, ठीक है, हेड हैं, हेड टीचर हैं। टीचर सिट्स इन द स्टाफ रूम, और जो अध्यापक होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, स्टाफ रूम में बैठते हैं। इन देयर फ्री पीरियड्स, जब उनके पीरियड्स फ्री होते हैं तो वो इसी जगह पर स्टाफ रूम में बैठते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, ठीक है, अपने स्कूल के ऑफिस की तरह। यहाँ पर देखिए टेबल लगा हुआ है अंदर के जस्ट पीछे स्टाफ रूम में, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं अपना स्टडी करते हैं, और जब उनका खाली पीरियड होता है तो उस जगह जाकर बैठते हैं। दिस इज़ वन अकाउंट ऑफिस इन द स्कूल, और वहाँ पर एक अकाउंट ऑफिस भी है। पेरेंट्स सबमिट द फीस इन द अकाउंट ऑफिस, जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, फीस को अकाउंट ऑफिस में डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक है। ये देखिए रिसेप्शन बना हुआ है, और यहाँ पे अब ये अकाउंट ऑफिस ही है जहाँ पे पैसे जमा होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्ले इन द प्लेग्राउंड इन देयर फिजिकल एजुकेशन पीरियड, और जब उनका फिजिकल एजुकेशन होता है तो छात्र जो है प्लेग्राउंड में खेल खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स आवर स्कूल हैज़ अ लाइब्रेरी, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी भी है, पुस्तकालय भी है। स्टूडेंट्स रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी, छात्र जहाँ पर लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। अगर स्कूल खुल जाएगा तो डेली आप स्कूल जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ फैसिलिटीज जो है खेलने को पढ़ने को मिलेगी। देयर इज़ द कैंटीन इन द स्कूल, किसी किसी स्कूल में कैंटीन भी होता है। यहाँ पे देखिए बेच रहा है कैंटीन। स्टूडेंट्स गो टू द कैंटीन ड्यूरिंग ब्रेक टाइम, ठीक है, छात्र जो हैं ब्रेक टाइम के दौरान कैंटीन में जाते हैं जहाँ पे वो कुछ खरीद कर खा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डू ड्राइंग पेंटिंग कलरिंग इन आर्ट रूम, आर्ट रूम भी होता है जहाँ पे छोटे बच्चे क्या होते हैं ड्रा करते हैं, जहाँ पे चार्ट पेपर आपको मिल जाते हैं, तो उस आर्ट रूम में कलरिंग की जाती है, पेंटिंग की जाती है, ड्राइंग की जाती है। और इसी तरह से म्यूज़िक क्लासरूम भी होता है जहाँ पे म्यूज़िक टीचर टीचेजस हाउ टू डांस एंड सिंग, म्यूजिक टीचर हमें ये सिखाती है कि किस तरह से हमें डांस करना है और किस तरह से गाते हैं। वी इंजॉय द म्यूज़िक, और इसका हम आनंद लेते हैं। आवर स्कूल हैज़ ए मेडिकल रूम ऑफ ट्रीट टू सिक स्टूडेंट्स, किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो एक हमारा सिक रूम भी तैयार होता है जहाँ पे एक डॉक्टर अपॉइंट होते हैं, डॉक्टर बैठते हैं, ठीक है।
जो बीमार छात्रों का इलाज करते हैं। आवर स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हमारा स्कूल बहुत ही सुंदर है। इट हैज़ मैनी फैसिलिटीज़, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। वी लर्न टू शेयर विथ आवर फ्रेंड्स, हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी कुछ हम सीखते हैं। वी शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, डेली ही जो है रेगुलर जो है हम लोग स्कूल जाते हैं, जाना चाहिए। वी शुड गो टू स्कूल रेगुलर, वी शुड बी केयरफुल ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी, और हमें अपनी स्कूल की प्रॉपर्टी का ध्यान भी रखना चाहिए। वी लर्न डिसिप्लिन, हमें शिष्टाचार की बातें सीखनी चाहिए। एंड गुड हैबिट्स फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल से हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। ठीक है, ये सब की टफ वर्ड मैंने आपको भेज दिया ऑलरेडी। असेंबल मतलब सभा होती है, सबमिट मतलब देना, डिपॉजिट करना, फैसिलिटीज सुविधाएं। ठीक है, डिसिप्लिन शिष्टाचार को कहते हैं। हेड जो होता है वो इंचार्ज होता है, प्रधान होता है। रेगुलरली मतलब डेली डेली। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने सीखा वी गो टू स्कूल फॉर स्टडीज़। ठीक है, हम अध्ययन के लिए स्कूल जाते हैं। टीचर्स टीच अस डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अध्यापक जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। वी ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन इन द स्कूल, स्कूल में हम शिष्टाचार और अच्छी आदतें सीखते हैं। वी लर्न टू शेयर विथ अवर फ्रेंड्स, ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि अपने दोस्तों के साथ हमें क्या बातें शेयर करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ये आपका MCQs है, जो करेक्ट है उसको मेरे पेंसिल से टिक कर रखा हुआ है, मैच दी फॉलोइंग। और जो चीज़ स्कूल में आपके है वहाँ पे आपको यस लिखना है, जो नहीं है वहाँ पे नो लिखना है। ठीक है, लाइब्रेरी है तो यस कर दीजिए, मैंने नो कर दिया है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर लैब है, यस। और इसी तरह से डिस्पेंसरी जो होता है जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, अगर नहीं है तो नो। डांस क्लासरूम है तो यस। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में यू विल गेट द आंसर ओवर देयर। और जो मैंने 4-5 लाइन आपको लिखवाई थी लास्ट टाइम पे, तो आपको वही 4-5 लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। ये आपको फिल करना है, प्रिंसिपल, म्यूज़िक रूम, लाइब्रेरी एंड प्लेयर। ठीक है, और स्कूल की कोई फोटोग्राफ्स हो तो किसी भी पिक्चर की फ़ोटो कट करके यहाँ पे स्टिक कर दो, चिपका दो, आपकी यहाँ पे एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। ओके बच्चों, चलो फिर, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।